हेलो बच्चों, हेलो मैम। आज क्या है बच्चों? आज है हिंदी दिवस 14 सितंबर। 14 सितंबर, आज 14 सितंबर है जिसको हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारे ये कुछ बच्चों ने कुछ लिखा है भाई, कविता लिखी है, कुछ स्पीच लिखी है, तो सुन लिया जाए, है ना बच्चों? चलिए। मेरा नाम यश है, मैं प्राथमिक विद्यालय टावर 2 से हूँ। मैंने ये कविता लिखी है हिंदी दिवस पर। सबको करती एक समान हिंदी भाषा बड़ी महान, कोई पूछे जो कैसी है, हिंदी मेरी माँ जैसी है। वेरी गुड, आगे। मेरा नाम है अनुभव, प्राथमिक विद्यालय से थावर से हूँ, थावर सेकंड। हाँ चलिए आगे बढ़िए। आज हम एक कविता सुनाएंगे। चलो सुनाओ। हम सबको प्यारी लगती, सबको न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, राष्ट्रभाषा हमारी साहित्य की फुलवारी, सरल सुबोध पर है भारी, अंग्रेजी से जंग जारी, सम्मान की है अधिकारी, जन 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 की हो दुरारी, हिंदी ही पहचान हमारी। वेरी गुड, चलिए आप पढ़िए पहले, उसके बाद में इसमें सुनते हैं। मेरा नाम प्रीतु है, मैं प्राथमिक विद्यालय थावर 2 से है। मैंने एक प्राथमिक में हिंदी दिवस पर कविता लिखी है। जन जन की है आशा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी, देखो समझो बात हमारी, हिंदी भाषा है सबको प्यारी, अपना देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। वेरी गुड, आप बेटा आपने क्या स्पीच लिखी है? Yes, क्यों मनाया जाता है, क्या बात है, बच्चे ने कितना अच्छा सा लिखा है। चलिए बेटा ऐसे कर लीजिए। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि भारत की संविधान सभा ने घोषणा की देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत को आधिकारिक भाषा गणराज्य है। आधिकारिक भाषा गणराज्य है भारत की। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत को गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। इसीलिए इसको बताते हैं, क्या बताते हैं, 14 सितंबर को अपनाया था, इसीलिए हम लोग हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है ना? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसको देवनागरी लिपि जो थी वो क्या था, गणराज्य में जो किया गया था 1949 को, 14 सितंबर 1949 को गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया था, इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो भाई इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए क्लैपिंग हो जाए।